हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल टेक्निकल हब में। तो आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के सामने एक और नई वीडियो। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको खाटूश्याम का द्वार दिखाया था, जिसमें आपको सब्लिमेशन का या फिर आप अपना इनग्रेविंग करके अपना कुछ भी कैसे भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो आज मैं उसकी फ़ाइल दिखाऊँगा कि कितने mm की है और वो कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हो अलग अलग साइज़ में, या फिर अपने जो भी शीट इस्तेमाल कर रहे हो 4 mm, 3 mm या 2.5 mm, तो उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो कोलर ड्रो में। तो सबसे पहले मैं आपको फ़ाइल दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारी ये फ़ाइल ओपन कर रखी है हमने, जैसे अगर आप ये फ़ाइल लेते हो तो आपको इमेज भी मिलेगी और ये आउटर भी मिलेगा, जिससे कि आप सब्लिमेशन ये कट करके आप सब्लिमेशन कर सको इजीली। तो ये इस फाइल में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप सीधा इसको काटोगे तो आपको बिल्कुल आपको एक्यूरेट, जैसे हमने प्रीवियस दिखाया था वैसे ही आपको मैं कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरीके से बनेगा। प्रीव्यू जैसे आप साइड में देख रहे होगे तो कुछ इस तरीके ही बनेगा, सेम टू सेम। तो आपकी ये जो कितने mm की फाइल है, पहले हम वो दिखा देते हैं। ये जो हमने एडिट किया है ये हमारा 3 mm की फाइल है। तो इसको अगर आप 4 mm या 5 mm में कन्वर्ट करना चाहते हो या फिर 2.5 में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ जो चीज़ें हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आपकी जो ये आपकी इंटरलॉकिंग जो रेक्टेंगल्स हैं, जो खांचे हैं, तो उनको आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे ये जो चीज़ है हमारा इधर एडजस्ट होगा, ये जो चीज़ है हमारा इधर एडजस्ट होगा, और ये जो चीज़ है हमारा ये जो इसके अंदर एडजस्ट होगा। तो अगर आपने इन सभी को एडजस्ट कर लिया तो आपकी फाइल अलग mm में, मतलब अलग थिकनेस में आपका मिल जाएगी। जैसे आपके पास 4 mm की सब्लिमेशन शीट्स हैं या फिर आपके पास 5 mm की है, तो आप अपना हिसाब से इसको, अभी आपने 3 mm कर रखा है, जैसे कि हम दिखा देते हैं 2.975 है, तो इसको हम 3 mm या फिर सॉरी 5 mm 4 mm कर देते हैं। तो 4 mm में हमने जैसे ये कर लिया, तो इसको हमने क्या किया, वेल्ड कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हमारा हो गया। अब ये हमारा ये गायब हो रहा है क्योंकि हमारा अनग्रुप नहीं था, तो हमने इसको वेल्ड कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हो ये वेल्ड हो गया। तो इसको अगर हम डिलीट भी मार देंगे, क्योंकि ये डुप्लीकेट है, हमने यहाँ से इसको उठाया, इसको हमने यहाँ रख दिया, इसको हम डिलीट भी मार देंगे तो ये 4 mm की हो गई हमारी। अब इसको हमारे जो ये खांचे हैं वो इसके अंदर जाएंगे, क्योंकि जो हमारी थिकनेस होगी ये 4 mm की होगी, ठीक है। अगर ये आपकी 4 है तो ये भी हमारे को 4 चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ है खांचे वो भी हमारे को थिकनेस जो है उसको भी 4 mm करने पड़ेंगे। जैसे ब्रेक अपार्ट करते हैं तो ये जैसे कि आप देख सकते हो ये 3 mm का है, इसको हम 4 mm कर देंगे। कुछ चेंजेस नहीं करने, बस आपको यहाँ से आपको खाली 4 mm कर देना है, ऑटोमेटिक अपना सेंटर से ले लेगा। तो फिर बाद में इसको कंबाइन कर देंगे। अब जैसे कि ये जो चीज़ है हमारा ये 4 mm में हो गया। अब 4 mm में होने के बाद अभी जैसे कि ये चीज़ देख रहे हो, तो इसको हमारा ये 3 mm का है, इसको भी सेम वैसे ही हम ब्रेक अपार्ट करके 4 mm कर देंगे, 4 mm कर दिया, कंबाइन कर दिया। अब जैसे कि ये चीज़ हो गया हमारा, डिलीट मार दिया। अब ये जो हमारा 3.3 mm का है, इसको हम 4 mm कर देंगे, तो ये 4 mm दोनों तरफ से बढ़ाता है, तो इसको हम थोड़ा सा और नीचे करके हम इसको वेल्ड मार देंगे, तो ये हमारा 4 mm का फाइल हो गई, ठीक है। ये पूरी हमारी 4 mm की फाइल हो गई। ये हमारी पेस्टिंग फाइल है, ये जैसे कि जो रेड वाला है हमारा मार्किंग का है, जैसे कि ये जो चीज़ है हमारा मार्किंग का है, और ब्लैक वाला सारा हमारा कटिंग का है। सिंपल है, मैं ये बता देता हूँ कहाँ हमारा क्या चीज़ ऐड होगी, मतलब कि क्या चीज़ हमारी कहाँ फिट होनी है। अब जैसे कि ये चीज़ देख रहे हो आप, अब ये जो चीज़ है, अब ये जो चीज़ है आपकी ये यहाँ लगेगी इस तरीके से, ये चीज़ हमारी बीच में लगेगी सेंटर में, ठीक है, सेंटर में लगेगी। और ये जो चीज़ हमारी ये सब्लिमेशन होके यहाँ पे लग जाएगी। अब जैसे कि ये चीज़ है, ये चीज़ हमारी यहाँ इस साइड में और ये इस साइड में, इस साइड ये चीज़ लगेगा, ये चीज़ इस साइड, ठीक है,
ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ हमारी यहाँ पे, और ये चीज़ हमारी ऊपर लगेगी, ये चीज़ हमारी ऊपर लगेगी। तो ये चीज़ है हमारा कंप्लीट हो गई है फाइल, जैसे कि आप देख रहे हो प्रीव्यू। तो इस तरीके से अगर आपको ये फाइल लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे आपको व्हाट्सअप लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, जो हमारा कॉन्टैक्ट ईजिली कर सकते हो, अगर मिल जाएंगी। अगर आपको कोई भी इस वीडियो में दिक्कत आती है या फिर कोई और वीडियो चाहते हो कि उसके ऊपर हमारे को डिज़ाइन चाहिए या फिर किसी और के ऊपर हेल्पिंग वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।